SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है और ये कैसे आपकी हेल्प करता है आपकी वेबसाइट पर ज्यादा विजिटर लाने में और आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो हाय गाइस, माय नेम इज साजन शर्मा एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एट इनास्को डिजिटल। फॉर दोज हु डोंट नो, इनास्को इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेयर वी हेल्प आवर क्लाइंट्स टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मान लीजिए आज अगर आप कोई अपनी वेबसाइट शुरू करते हैं या फिर आप YouTube पे कोई वीडियो बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें या फिर आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो ऐसा करने के लिए आपके पास आज तीन तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप Facebook या Google जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए एड्स चलाएं। इस तरीके से क्या होगा, जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को पैसे देंगे तो ये आपके कंटेंट को या फिर आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएंगे, जिससे काफ़ी सारे लोग जो है आपके बिजनेस के अंदर जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। लेकिन अगर अभी आपका बिजनेस नहीं है तो ऐसे काफ़ी कम चांसेस हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास इतना ज़्यादा कैपिटल हो, तो ये जो तरीका है वो काफ़ी बिजनेसेस के लिए स्टार्टिंग में चालू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट के या वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करो। ऐसा करने से क्या होगा, जो लोग भी आपके ब्लॉग में या फिर आपकी वेबसाइट पे या फिर आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग आपकी वीडियोज़ को देखेंगे। इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि आपकी वेबसाइट पर लोग तो आएंगे लेकिन काफ़ी कम लोग आएंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो गाइस, अभी तक हमने देखे दो मेथड, पहला यानी कि पेड एड्स, जिसके अंदर हमको गूगल को या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना होता है अपने ब्लॉग को या फिर यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करने के लिए या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लॉग पर लेकर के आने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने समझा कि स्टार्टिंग में अगर आपका बिजनेस न्यू है या फिर आपकी वेबसाइट न्यू है तो ये तरीका शायद आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं हो सकता, मतलब कैपिटल का प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा तरीका हमने देखा कि हम अपने लिंक्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आएं। लेकिन ये भी तरीका कभी कभी ज़्यादा ट्रैफिक लेकर के आने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो गाइज, अब करें क्या, क्योंकि हम तो हमारी वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने तीसरे तरीके का, जो कि है ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक लाना। तो हाँ गाइज, ऑर्गेनिक सर्च का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ का ट्रैफिक लेकर के आ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसे कैसे किया जाता है, तो गाइज SEO का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप SEO का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे काफ़ी सारा ट्रैफिक लेकर के आ सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है, तो जैसे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे सर्च इंजन जैसे कि गूगल के ऊपर और जो भी आपको सर्च करना है वो वहाँ के सर्च टैब में टाइप करोगे। तो अभी के लिए एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आपको सर्च करना है वेट लॉस टिप्स, तो इस एग्जांपल में वेट लॉस टिप्स जो है वो आपका कीवर्ड है। अगर आप कीवर्ड्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए काफ़ी सारी डिटेल्ड वीडियोस प्लान की है जो कि फ्यूचर में आपके पास आएगी। तो उन सभी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस केस में मान लीजिए कि वेट लॉस टिप्स जो है आपका कीवर्ड है, तो जब भी आप इसे सर्च इंजन जैसे कि गूगल के ऊपर सर्च टैब में इन कीवर्ड्स को सर्च करते हो तो गूगल क्या करता है, आपको उन सभी वेबसाइट्स की लिस्ट निकाल के देता है जिन्होंने इस कीवर्ड को यानी कि वेट लॉस टिप्स को अपने वेबसाइट के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, गूगल ये आपको सारी लिस्ट कैसे निकाल के देता है, तो यहाँ पे यूज आता है SEO का। तो SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को अलग अलग कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि जब भी कोई उन कीवर्ड्स को गूगल के ऊपर सर्च करे तो हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पर टॉप पर दिखाई दे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने जाना कि वेट लॉस टिप्स जो हमारा कीवर्ड है, अगर हमारी कोई हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि उस पे ऊपर जो है वेट लॉस टिप जैसे कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक आए या फिर गूगल हमारे पेजेस को वेट लॉस टिप कीवर्ड के ऊपर सबसे ऊपर दिखाए, तो यह करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं SEO। तो गाइस, अभी तक हमने जाना SEO क्या होता है, तो चलिए अब जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो आज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इंटरनेट के ऊपर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे लगता है, आप जाएंगे सबसे पहले सर्च इंजन जैसे कि गूगल के ऊपर, और जहाँ वहाँ पर आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना है वो आप सर्च टैब में सर्च करेंगे। तो गाइस, जब भी आप इन कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो गूगल आपको एक लिस्ट देगा जो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो तो आप ये जरूर चाहेंगे कि जब भी कोई यूज़र आपके किसी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को अगर गूगल पे सर्च करे तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर सबसे टॉप पर दिखाई दे। चाहेंगे या नहीं? ठीक है, तो जैसे आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस उन कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई दे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में काफ़ी और सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो कि आपके जैसे ही प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हैं, और उनका भी एम यही होगा कि जब भी यूज़र उन कीवर्ड्स को सर्च करें तो उनकी भी वेबसाइट उसके ऊपर दिखाई दे। तो गाइस, गूगल ऐसा कैसे डिसाइड करता है कि किसकी वेबसाइट टॉप पर आनी चाहिए और किसकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिटर मिलने चाहिए? तो यहीं पे यूज़ आता है हमारे SEO का। तो गाइस, अभी आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, यानी कि जिस कीवर्ड के ऊपर हम हमारे बिजनेस की वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे अवेलेबल है ऑनलाइन या पूरी दुनिया में जो भी सिर्फ यही गोल रखते हैं, यानी कि जब भी कोई यूज़र्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करें गूगल पर, तो सभी बिजनेस चाहते हैं कि उनका जो है बिजनेस या वेबसाइट टॉप पर दिखाई दे, और टॉप पर दिखाई देने से मतलब है ज़्यादा विजिटर यानी कि ज़्यादा बिजनेस। तो गाइस, एग्जांपल के लिए जानते हैं कि जैसे आपको आज योगा मैट खरीदनी है तो आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे बाय योगा मैट्स, तो चांसेस ज़्यादा हैं जो भी टॉप की 3 या 4 वेबसाइट्स होगी आप उन्हीं के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चाहते हैं कि जब भी यूज़र उनके प्रोडक्ट से या सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड्स को गूगल पर या सर्च इंजन्स के ऊपर सर्च करें तो उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे, और सबसे ऊपर दिखाने के लिए हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो भी एफर्ट्स लगाते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं SEO की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मॉज, SEO इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस Designed to improve the appearance and positioning of web pages in organic search results. तो अब हम देखते हैं types of SEO. So पहला type है on-page SEO, दूसरा type है off-page SEO, और तीसरा type है technical SEO. तो चलिए अब तीनों टाइपों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं हमारे SEO के पहले टाइप को, यानी कि on-page SEO। तो हम हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे SEO के लिए ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो कहलाती है ऑन पेज SEO। ध्यान रखिए, जो भी एक्टिविटीज़ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो कहलाती है ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO के अंदर हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने पेज के टाइटल को, पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन को, अपने पेज के इंटरनल लिंक्स को, एक्सटर्नल लिंक्स को, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के कंटेंट को। ये सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म करते हैं ये सब होती है ऑन पेज SEO में। ऑन पेज SEO के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल्स को, क्योंकि फ्यूचर में आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। तो चलिए अब हम समझते हैं SEO के दूसरे टाइप को, यानी कि ऑफ पेज SEO को। तो ऑफ पेज SEO में जो भी एक्टिविटीज़ हम किसी और की वेबसाइट के ऊपर करते हैं अपनी वेबसाइट को SEO के लिए ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो आती है ऑफ पेज SEO में। तो बेसिकली या इम्पोर्टेंटली हम कहें तो ऑफ पेज SEO में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है बैकलिंक्स। तो अकॉर्डिंग टू गूगल या अकॉर्डिंग टू किसी भी SEO प्रोफेशन अगर आप देखें तो दो तरीके होते हैं बैकलिंक बनाने के। एक, या तो आप जाकर उस वेबसाइट के ऊपर अपना बैकलिंक बनाओ, या फिर आपको नेचुरली उस वेबसाइट से अपना लिंक मिले। तो नेचुरल मिलने वाले लिंक्स को गूगल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देता है, और अगर ऐसे लिंक्स अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी वेबसाइट से हैं, अच्छे डोमेन से हैं यानी कि उनकी अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, तो आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कम टाइम में इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ जो कि है टेक्निकल SEO। तो टेक्निकल SEO में हम हमारी वेबसाइट की जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जैसे कि हमें हमारे robots.txt को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, sitemap.xml को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, हमारी वेबसाइट पर कितने भी रीडायरेक्ट्स हैं उनको हमने सही से ऑप्टिमाइज़ किया है या नहीं, ये सारी जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं इन सभी का ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है टेक्निकल SEO। तो दोस्तों, इन तीनों टाइप्स में जो जो भी एक्टिविटीज़ हमने देखी, हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हम इन एक्टिविटीज़ को गूगल्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करें, क्योंकि गूगल कभी भी उन वेबसाइट्स को अपने सर्च इंजन के ऊपर रैंक नहीं करेगा जो कि उसकी गाइडलाइंस को वॉयलेट करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस या आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग गूगल के ऊपर अच्छा रैंक करे, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़
गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट भी SERPs पे अच्छा रैंक करने लगेगी। तो दोस्तों, SEO एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि SEO के रिजल्ट्स आने में समय लगता है। तो अगर जैसे मान लो आज आपने अपनी वेबसाइट पर SEO करना चालू किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि कल के कल ही आपकी वेबसाइट्स के ऊपर मिलियंस ऑफ यूजर्स का ट्रैफिक आ जाए। तो आपको पेशेंस रखना है, और जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट पर एथिकली SEO एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को एथिकली ऑप्टिमाइज करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट भी SERPs पे अच्छी रैंक होने लगेगी। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि SEO एक स्लो प्रोसेस है और इसे करने में टाइम लगता है, लेकिन मार्केट में काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी भी अवेलेबल है जो आपको सिखाती है कि ब्लैक हैट SEO कैसे करते हैं। ब्लैक हैट SEO, जैसा नाम से पता चलता है, काफ़ी खतरनाक चीज़ लग रही है। हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ करते हो तो विद टाइम शायद आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट हमेशा SERPs के टॉप पर बनी रहे और आपकी वेबसाइट को कांस्टेंट ट्रैफिक मिलता रहे। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट गूगल्स की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, तो गूगल उन वेबसाइट्स पे ऊपर पेनल्टी लगाता है और रातों रात वो वेबसाइट्स बंद हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आपके वो अच्छा ट्रैफिक मिलता रहे विद टाइम और आपकी वेबसाइट ग्रो होती रहे, तो आपको ब्लैक हैट SEO से बचना चाहिए और जेन्युइन SEO टेक्निक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियोस में हमने देखा कि SEO क्या होता है, SEO क्यों इम्पोर्टेंट है, और SEO कैसे करते हैं, और SEO में टाइम लगता है। तो आशा करता हूँ ये पूरी वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फ्यूचर में SEO से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, तो अगर आप उन सभी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो अपनी नई अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पूरी वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ताकि उनको भी SEO से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।